मूवी की शुरुआत में हम एक बाइक रेसर जोनस को देखते हैं जो कि जंगल में अपनी बाइक रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके बाद वहां जोनस को एक आदमी उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है और वो आदमी काफी इंजर्ड था। जोनस उसके पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो आदमी उसे भाग जाने के लिए कहता है और तब जोनस वहां चुप कर उसे देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहां एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक ड्रग डीलर बाहर आता है। वो ड्रग डीलर उस आदमी को मार मार कर उसकी जान ले लेता है। तब ये देखकर जोनस काफी डर जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन वो ड्रग डीलर उसे देख लेता है और तभी वो ड्रग डीलर अपने आदमियों को उसका पीछा करने के लिए कहता है। घर पहुंचते ही जोनस टीवी पर न्यूज देखने लगता है जहां उसी आदमी की मर्डर की न्यूज चल रही थी जिसे उसने अभी जंगल में देखा था। तभी जोनस को उसके दरवाजे से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो चेक करने के लिए दरवाजे के होल से देखता है तो उसे वहां पर उसी ड्रग डीलर के आदमी दिखाई देते हैं जो कि जोनस को मारने आए होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग दरवाजा खोल पाते वहां पर FBI एजेंट आ जाता है और उसका नाम नेविल था, जिसके बाद वो उन सभी लोग को मार कर जोनस को बचा कर वहां से ले जाता है। और रास्ते में नेविल जोनस से पूछता है कि जब तुमने मर्डर देखा तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, जिसे सुनकर जोनस कहता है सारे पुलिस वाले करप्ट होते हैं इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम उन दोनों को FBI के रूम में देखते हैं जहां नेविल जोनस को उसी ड्रग डीलर के बारे में बताता है कि वो ड्रग डीलर एक काफी बड़ा गैंगस्टर है जिसे हम काफी सालों से पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है, पर अब हम उसे तुम्हारे थ्रू पकड़ना चाहते हैं। लेकिन जोनस उसकी बात ना मानते हुए कहता है कि मैं ये सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। तब नेविल कहता है वो डीलर बहुत ही पावरफुल है तो वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह करके तुम्हें मार ही देगा, लेकिन अगर तुमने हमारा साथ दिया तो तुम सेफ तो रहोगे और उस ड्रग डीलर को सजा भी मिल जाएगी और इस तरह से तुम्हें कोई भी मारने वाला भी नहीं होगा और शायद तुम्हें उसे पकड़वाने में कुछ इनाम भी मिल जाए। तब ये सुनकर जोनस नेविल की बात मान लेता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके बाद नेविल जोनस से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ लॉस एंजेलिस चलना होगा क्योंकि वो ड्रग डीलर के ऊपर वहां के पुलिस स्टेशन में चार्जेस लगे हुए हैं। इसके बाद हम नेविल और जोनस को एक पैसेंजर प्लेन में देखते हैं जहां उनके साथ एक और साथी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग फ्लावर पर केमिकल स्प्रे कर देते हैं और एयर होस्टेज उन्हीं फ्लावर की माला लॉस एंजेलिस जाने वाले लोगों को पहना रही थी। इसके बाद नेविल जोनस और उसका तीसरा साथी प्लेन में बैठ जाते हैं और वो प्लेन लॉस एंजेलिस के लिए टेक ऑफ कर जाता है, जिसके बाद प्लेन में सभी लोग अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम प्लेन के निचले वाले साइड पर बहुत सारे बॉक्स देखते हैं जिसके ऊपर एक टाइमर लगा हुआ था, वो भी सिर्फ 2 मिनट का। उधर जोनस और बाकी के पैसेंजर अपने जर्नी को काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस टाइमर का टाइम खत्म हो गया था। टाइमर के रुकते ही उस बॉक्स से बहुत सारे स्नेक बाहर निकलते हैं और ये स्नेक धीरे धीरे करके पूरे प्लेन में फैल जाते हैं और यहाँ पर स्नेक्स उसी ड्रग डीलर ने रखवाए थे ताकि जोनस मारा जाए और ये प्लेन लॉस एंजेलिस ना पहुंच पाए जिससे कि वो बच जाए। और यहाँ पर किसी भी पैसेंजर को स्नेक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है इसलिए वो लोग खुद ही में मगन होते हैं। लेकिन तभी एक स्नेक इंजन रूम में चला जाता है और प्लेन के कुछ वायर को तोड़ देता है जिससे कि प्लेन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कोई ना कोई खराबी आ जाती है, जिसके बाद अब स्नेक पैसेंजर की तरफ आते हैं और एक लड़का वॉशरूम में होता है तभी एक स्नेक उसे मार देता है। इसके बाद हम एक और पैसेंजर को वॉशरूम में जाता देखते हैं जहां पर उसे भी एक स्नेक काट लेता है। तब उससे बचने के लिए जैसे ही वो पीछे हटता है तो उसका सर एक वॉल में लड़ जाता है जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये स्नेक्स बहुत ज्यादा पॉइजनस थे, जिसे भी ये काट रहे थे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जा रही थी और अब ये स्नेक पूरे प्लेन में फैल जाते हैं। तभी हम एक स्नेक को देखते हैं जो कि उसी फ्लावर की तरफ जा रहा था जो कि एयर होस्टेज ने पैसेंजर को दिए हुए थे, यानी कि जिस पर केमिकल स्प्रे किया गया था। स्नेक जैसे उस फ्लावर को स्मेल करते तो वो काफी एग्रेसिव हो जाते और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो केमिकल उन फ्लावर पर इसलिए स्प्रे किया गया था ताकि स्नेक इस केमिकल से एग्रेसिव होकर उन सभी पैसेंजर को मार दे। और तभी हम देखते हैं कि प्लेन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से प्लेन के एक हिस्से में लाइट चली जाती है। तभी एक पायलट प्लेन के कार्गो साइड पर जाने का डिसाइड करता है ताकि वो देख सके कि क्या प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद वो नीचे कार्गो में जाकर सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन तभी वहां पर एक बहुत बड़ा स्नेक आकर उस पायलट के गर्दन पर काट लेता है जिस वजह से वो तुरंत मर जाता है। इसके बाद जब एयर होस्टेज और प्लेन का कैप्टन उस पायलट को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसे हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए जल्दी से वो एयर होस्टेज नेविल को बुलाती है क्योंकि वो एक FBI एजेंट था। जिसके बाद नेविल का साथी उससे कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। तब कैप्टन उसे कहता है अब हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और वापस जाना बेवकूफी का काम होगा। तब नेविल उसकी बात पर एग्री करता है
है और कहता है कि तुम सही हो, अब हम लॉस एंजलिस में ही स्टे करेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि अब पूरे प्लेन में बहुत सारे स्नेक फैल चुके हैं। अब शॉर्ट सर्किट की खराबी की वजह से कैप्टन सबको अलर्ट कर देते हैं कि सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें। लेकिन तभी कैप्टन के कैबिन में एक बड़ा स्नेक आ जाता है, जिसके बाद कैप्टन उस स्नेक को मार मार कर भगाने लगते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उनसे एक बटन दब जाता है, जिससे कि सभी पैसेंजर के पास एक ऑक्सीजन मास्क आ जाता है और उस मास्क के साथ साथ वहाँ स्नेक भी निकलते हैं, जिसके बाद वो सारे स्नेक्स पैसेंजर पर अटैक करने लगते हैं और ये सब बहुत ही डरावना सीन था। उधर कुछ लोगों के पास वही फ्लावर भी था, जिससे कि वो स्नेक और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहे थे और पैसेंजर पर अटैक करने लग रहे थे। और एक स्नेक तो एक लड़की के मुंह में घुस जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद नेविल के साथी को भी एक सांप काट लेता है। लेकिन तभी नेविल आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर नेविल सभी लोग की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो सभी को कहता है कि तुम सभी लोग प्लेन के फर्स्ट स्पेस में चले जाओ। और तभी ये सुनकर सभी लोग वहाँ भागने लगते हैं और इसी बीच बहुत सारे स्नेक बहुत पैसेंजर को मार देते हैं। और यहाँ पर एजेंट नेविल उन सभी सांपों को अपनी इलेक्ट्रिक गन से मार रहा होता है, लेकिन वो स्नेक बहुत ही ज्यादा थे और जैसे जैसे स्नेक वहाँ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे नेविल उन्हें देखकर घबराता जा रहा था। तो वो बचे हुए लोगों से कहता है कि यहाँ पर स्नेक बहुत ही ज्यादा हैं, इसलिए हमें इनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। उधर वो सारे पैसेंजर प्लेन के फर्स्ट स्पेस में आ जाते हैं और साथ ही वो लोग लगेज का एक दीवार भी बना देते हैं ताकि वो स्नेक उन तक ना पहुंच पाए। लेकिन यहाँ नेविल का साथी सांप के काटने की वजह से मर जाता है और नेविल अपने साथी को इस तरह मरता हुआ देख काफी दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन आता है और वो नेविल को सब कुछ संभालने के लिए कहता है और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि लॉस एंजलिस पहुंचने में अभी 2 घंटे लगने वाले हैं और वो ये भी कहता है कि अब सारे पैसेंजर की सेफ्टी अब तुम्हारे हाथों में है। फिर नेक्स्ट सीन में हम प्लेन को देखते हैं जो कि काफी डरावना बन चुका था क्योंकि हर तरफ बस स्नेक ही स्नेक थे। तब एक एयर होस्टेज एक डेड बॉडी देखती है जिसके मुंह के अंदर से सांप बाहर निकल रहा था और ये सीन देखने के बाद सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जोनस के पास आता है जो कि सारी सिचुएशन देखते हुए बाहर आता है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। लेकिन नेविल उसे कहता है तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वो उसे अंदर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम जमीन पर नेविल के एक साथी को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास जाकर उस प्लेन की सारी सिचुएशन बताता है जो कि नेविल ने उसे फोन पर बताई थी। और जब सारी सिचुएशन उसे बताता है तो वो डॉक्टर उससे कहता है कि स्नेक किसी पर भी ऐसे ही अटैक नहीं करते हैं, जरूर प्लेन में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो स्नेक एग्रेसिव हो रहे हैं। इसका मतलब कि वो स्नेक उसी फ्लावर की वजह से एग्रेसिव हो रहे थे। अब नेविल उसी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन स्नेक का एंटीट्यूड बनाए, लेकिन वो डॉक्टर कहता है मैं ऐसा तभी कर सकता हूँ जब मुझे सारे स्नेक की स्पीशीज के बारे में पता हो। जिसके बाद नेविल उसे बताता है कि यहाँ पर 1000 के तादाद में स्नेक्स हैं। तब डॉक्टर उसे कहता है कि अगर मैंने उन्हें गलत एंटीटोड दे दिया तो उन लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए मुझे स्पीशीज का जानना बहुत ही जरूरी है। और जब उनका फोन बंद होता है तो सभी लोग को पता चल जाता है कि ये सब कुछ जोनस की वजह से हो रहा है, इसलिए वो सब नेविल पर काफी गुस्सा होते हैं, जिस पर नेविल उन्हें समझाता है कि ये टाइम लड़ने का नहीं है बल्कि हमें एक साथ होकर उन स्नेक से लड़ना है। अब यहाँ पर नेविल उन स्नेक को पकड़ पकड़ कर उनका पिक्चर बनाकर उस डॉक्टर को सेंड करता जा रहा था। और तभी हम कैप्टन के कैबिन में देखते हैं कि एक काफी बड़ा स्नेक आकर उनके हाथ पे काट लेता है और अपने पावर से उन्हें घींच कर नीचे गिरा देता है। और अब यहाँ पर प्लेन को भी हैंडल करने के लिए कोई भी नहीं था। और जब एयर होस्टेज वहाँ पर आती है तो ये सब देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि प्लेन अब काफी नीचे जा चुकी थी, 1000 फीट नीचे। और तभी वो एयर होस्टेज बड़े समझदारी के साथ उन स्नेक से बचते हुए प्लेन के हैंडल तक पहुंच जाती है और साथ ही साथ वो एक स्नेक को मार भी देती है। और तभी वहाँ पर नेविल भी आ जाता है जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस प्लेन को संभालने लगते हैं। लेकिन प्लेन बहुत ही नीचे जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो लोग उस प्लेन को बचा लेते हैं। अब प्लेन की बहुत ही ज्यादा हिलने की वजह से वहाँ रखा हुआ ट्रे मूव करते हुए पैसेंजर के पास आ जाता है और उनके लगेज की दीवार को भी तोड़ देता है और उस ट्रे के अंदर बहुत सारे स्नेक होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे स्नेक देखकर वो सारे पैसेंजर भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग इकट्ठे होकर ऊपर की पोजीशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा वजन होने की वजह से वो स्टेयर्स टूट जाते हैं और इतने में ही एक और स्नेक एक पैसेंजर के गले पर बाइट कर लेता है जिससे कि उस पैसेंजर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसी के साथ वहाँ पर एनाकोंडा भी आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक था और वो उन सभी पैसेंजर को भी देख लेता है और एक पैसेंजर को अपने अंदर जकड़ लेता है और उसका पूरा शरीर अपने मुंह में लेकर खा लेता है। ये सीन देखने के बाद पैसेंजर और भी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अभी भी जिंदा होता है
क्योंकि स्नेक ने उसके हाथ पर बाइट किया था, इसलिए उनका पूरा हाथ सुन्न पड़ चुका था। लेकिन अभी भी वो जिंदा थे और कोशिश करते हुए ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद वो कैप्टन कैबिन में आकर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे लगा देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सारे स्नेक स्टेयर के जरिए ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर पैसेंजर थे। तब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर एक बड़ा कपड़ा डाल देते हैं ताकि स्नेक उन्हें देख ना पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जमीन पर उसी डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो डॉक्टर उस कैप्टन को बताता है कि प्लेन में इतने सारे स्नेक्स हैं और एक ही टाइम में उन सबका एंटीटोड बनाना बहुत ही मुश्किल है। उधर प्लेन में सारे पैसेंजर की सांसें रुकने लगी थी क्योंकि प्लेन का एसी बंद हो गया था। तभी कैप्टन नेविल को कहता है कि ये सब कुछ उन स्नेक की वजह से हो रहा है और नीचे कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसलिए तुम्हें जाकर उसे ठीक करना होगा जहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स होते हैं। जिसके बाद नेविल सबकी जान बचाने के लिए वहाँ चला जाता है और वो एयर होस्टेस से कहता है कि तुम मुझे गाइड करोगी। इसके बाद नीचे जाने पर नेविल को सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर स्नेक्स आ जाते हैं। तब नेविल जल्दी से फायर स्प्रे निकाल कर उन सभी को फायर से मार देता है और कुछ स्नेक्स को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद नेविल वहाँ सब कुछ ठीक कर देता है जिससे कि प्लेन में वापस से लाइट और एसी चालू हो जाती है और अब पैसेंजर ठीक होने लगते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी डॉक्टर के पास, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब उसे पता चल जाता है कि वो ड्रग डीलर ने ये सारे स्नेक्स किसी और स्नेक डीलर से खरीदा है। जिसके बाद वो लोग उस डीलर का पता ढूंढने निकलते हैं और जब डॉक्टर वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग इन लोग पर फायरिंग करना शुरू करते हैं। और जब डॉक्टर का साथी उस डीलर को फायर करता है तो वो स्नेक्स के बॉक्स में जाकर गिरता है, जिससे कि वो जहरीला सांप उसे बाइट कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उनसे कहते हैं कि या तो तुम हमें उन सांपों का एंटीटोड दे दो या तो उन स्नेक के नाम का लिस्ट ताकि हम खुद ही एंटीटोड बना सके। तब वहाँ वो आदमी बताता है कि वो ड्रग डीलर ने उन फ्लावर पर ऐसा केमिकल लगाया था जिससे कि स्नेक एग्रेसिव होते हैं। इसके बाद वो लोग ये गुड न्यूज नेविल को बताते हैं कि हमें एंटीटोड मिल गई है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे प्लेन के लैंड करते ही हम लोग ये एंटीटोड तुम्हारे लोग तक पहुँचा देंगे, जिसे सुनने के बाद सारे पैसेंजर खुश हो जाते हैं। और नेविल जैसे ये बात कैप्टन को बताने जाता है तो वो देखता है कि कैप्टन मर चुका है और वहाँ पर बहुत सारे स्नेक होते हैं, जिसे देखकर वो हैरान और बहुत ही परेशान हो जाता है। और अब वहाँ पर कोई भी नहीं था जो कि प्लेन उड़ा सके। तब एयर होस्टेस सबसे पूछती है कि क्या कोई ऐसा है जो प्लेन को उड़ा सकता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होता है सिवाय एक के। वो कहता है कि मैंने सिर्फ प्लेन गेम में उड़ाया है। जिसके बाद वो सभी लोग उस लड़के को कैबिन में पहुँचाते हैं जहाँ पर वो प्लेन को कंट्रोल कर सके। और यहाँ पर वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो खुद को एक रोप से बांध लेंगे और वहाँ पर एक विंडो तोड़ देंगे जिससे कि हवा के प्रेशर से वो सारे स्नेक्स बाहर गिर जाएं। तब नेविल वहाँ की दो विंडो तोड़ देता है जहाँ से अब सारे स्नेक बाहर जाने लगे थे और वो सारे पैसेंजर रोप की वजह से बंधे हुए थे। और तब एक सांप एक औरत को पकड़ लेता है जिसे उसके साथ बैठा हुआ पैसेंजर उस सांप को पकड़कर बाहर फेंक देता है। और अब धीरे धीरे सारे एनाकोंडा भी बाहर जा रहे थे जिस वजह से वो प्लेन में काफी डैमेज हो गया था। और तभी नेविल और वो लड़का बड़ी समझदारी से प्लेन को लैंड करवा देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग को इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्नेक जोनस के साथ लिपट जाता है और तभी नेविल उस स्नेक पर शूट करता है, लेकिन वो गोली जोनस को लग जाती है और जोनस को देख के लग रहा था कि वो मर गया है। और जब वो लोग उसका शर्ट उतारते हैं तो वो देखते हैं कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, जिस वजह से वो बच गया था। और वहीं पर डॉक्टर पुलिस एम्बुलेंस भी आ जाती है और सभी पैसेंजर को एंटीटोड देकर बचाने लगती है और यहाँ पर वो बचे हुए लोगों को बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। जिसके बाद वो एयर होस्टेज नेविल से दोस्ती करना चाहती थी और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि नेविल और जोनस उस एयर होस्टेज से दोस्ती कर लेते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।